नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बड़ी धमाकेदार खुशखबरी, जल्दी देखो। तो देखते हैं पूरी जानकारी, वीडियो को शुरू से लेकर आज तक पूरा देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं खबर आई है, राहत हाईकोर्ट ने भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ दायर सभी 61 याचिकाएँ खारिज की। 6600 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रास्ता हुआ साफ, चयनितों को मिलेगी ज्वाइनिंग। याचिका 4 दिन रहते 3 अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र जारी किए तो हाईकोर्ट ने लगा दी थी रोक। हरियाणा पुलिस में 5500 पुरुष और 1100 महिला कांस्टेबल की भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों को पंजाब में हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। इन भर्तियों को चुनौती देते हुए दायर की गई सभी 61 याचिकाओं हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसमें अब चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का रास्ता साफ हो गया। पुरुष और महिला कांस्टेबल भर्ती में परीक्षा बनने प्रक्रिया के बाद बेड लिस्ट नॉर्मलाइजेशन स्टाइल मेथड के जरिए बनाई गई थी। इसके विरोध में अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे। दोनों भर्तियों में मामले की सुनवाई एक साथ चल रही थी। हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल भर्ती में चयनित को नियुक्ति पत्र जारी न करने के लिए आदेश जारी किए थे। पुरुष कांस्टेबल भर्ती मामले में सरकार ने आश्वासन दिया कि याचिका विचाराधीन रहने तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हाईकोर्ट ने भर्ती के फार्मूले का सैंपल कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद याचिक पक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार ने फार्मूले सौंपे बिना भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने 3 अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग भी दे दी है। इसके बाद हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगाई थी। सरकार से 15 जुलाई तक जवाब मांगा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी राहत दी गई है अभ्यर्थियों को। 2020 में निकली थी भर्ती, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 13 दिसंबर 2020 को विज्ञापन जारी हुआ था। 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 30 अक्टूबर 1 व 2 नवंबर 2021 को लिखित परीक्षा हुई। इसमें 3.89 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 11 दिसंबर को परिणाम जारी हुआ। इसमें 38547 अभ्यर्थी पास हुई। याचिकाताओं का तर्क है कि मेरिट लिस्ट बनाते समय लिखित परीक्षा में प्राप्त स्कोर में शारीरिक दक्षता व आर्थिक सामाजिक आधार के अंक जोड़े गए। इस फार्मूले से लिखित परीक्षा में मेरिट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए। सिर्फ आर्थिक सामाजिक आधार पर अंक हासिल करने वालों को नौकरी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खबर है। यहाँ पर 6600 पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा मामला है। जो अभ्यर्थी रह गए थे जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली, उन्हें ज्वाइनिंग जल्द मिलेगी। तो ये अपडेट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।